आज मैं आया हूँ राजेंद्र पैलेस, और यहाँ पे आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं एक बस खड़ी है रेड कलर की। और आप लोग समझ गए होंगे, आप में से काफ़ी लोग जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं उनको लोगों को पता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रही थी यहाँ की वीडियो। तो दोस्तों चलते हैं फूड बस ऑफ इंडिया के अंदर, जिसके अंदर आपको मिलेगा खाना, तो वो भी खाने के लिए और वो भी डाइनिंग के साथ। तो आप यहाँ पे बैठ के खाने का मज़ा ले सकते हैं एक बस के अंदर। तो खाना टेस्ट करते हैं, थीम तो काफ़ी अच्छी लग रही है, रेड कलर की जो बस है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरे को। और अंदर जाके देखते हैं इंटीरियर कैसा है यहाँ का। और आपको बता देता हूँ आप लोग यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, तो मेरे पीछे है राजेंद्र पैलेस मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2। जैसे ही आप गेट नंबर 2 से निकलेंगे आपको बिल्कुल यहाँ पे बस दिख जाएगी। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं अपने बस में। तो ये है मेरे हाथ में मेन्यू और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, और काफ़ी कुछ है उसके अंदर ऑर्डर करने के लिए। तो अब ऑर्डर करने के लिए चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम ऑर्डर करेंगे। टिकट को लगा लेते हैं क्योंकि ऑर्डर दे चुके हैं हम। ये रही, सबसे पहले ट्राई करते हैं पिज़्ज़ा। वो तो आपका तो मेरे लिए अच्छा भी मैं थोड़ा बहुत करती थी, क्योंकि अगर आपका ये पसंद है मैं लगता है मैंने बेस मेरे को पसंद नहीं है, ये थिक बेस मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। साइड में लिया हमें फ्राइड राइस, और ये लिए हैं आपको चिकन ग्रेवी वाला चिकन लिया चाइनीज आइटम में, और थोड़ा सा डालते हैं चिकन और थोड़ी सी ग्रेवी। थाली मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये ज़रूर लेना अगर आप यहाँ पे आ रहे हो। आप टेस्ट कर लेते किमची, किमची बोला जाता है सैलड को, चाइनीज सैलड को। तो ये है किमची, इसको टेस्ट कर लेते कैसी है। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ किमची, ठंडी मिक्स वेजिटेबल है। तो ये है स्प्रिंग रोल, इसको उठा दें हाथ में, छोटा है, देखते कैसा होगा। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी चाइनीज थाली जैसे बोला जाता है, उसके अंदर आपको ब्राउनी भी मिलेगी। तो भैया अब कुछ मीठा हो जाए, इसको तोड़ लेते हैं। ब्राउनी एज ऑलवेज जो हमेशा बढ़िया लगती है, बिल्कुल अच्छी लगती है, मीठा भी होता है, डेजर्ट मेरे को हमेशा पसंद आता है, उसमें मेरे को कोई कमी नहीं लगती और बहुत अच्छी है ब्राउनी। तो दोस्तों यह है बर्गर, आप ज़रा बर्गर की अनबॉक्सिंग कर दें। ये निकाल दिया हमने, देखते हैं इसके अंदर क्या माल पानी भरा है। ओह माय, दो दो पेटी रखी है चिकन की, दो दो पेटी, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है देखने में। बर्गर को बर्गर की एक बार कहने पूरा मुँह खुल गया, मगर बाकी में एकदम से चिकन की पेटी आई ना, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, वो बहुत बढ़िया थी, एकदम क्रिस्पी चिकन पेटी। इंडियन गुलाब जामुन, बॉटम में है रबड़ी और ये है गुलाब जामुन, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। स्वीटनेस ओवरडोज बोलूँगा, मज़ा आ गया। डेजर्ट तो जैसे आपको पता है गुलाब जामुन तो वैसे बढ़िया होता है।
तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।